हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट की रेसिपी, जिसे हम झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक डबल बॉयलर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है डार्क चॉकलेट, इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। ये किसी भी बेकरी स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप डेयरी मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये मोल्ड लिया है जिसमें हम चॉकलेट बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसी तरह से गर्म पानी के ऊपर करके ही हमें इसे चॉकलेट को मेल्ट करना है। थोड़े बहुत चंक्स रह गए, इन्हें भी हम मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब जो चॉकलेट मोल्ड है वो हमने ले लिया है, इसमें हमें ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। सिंपल सा हमें इस तरह से चॉकलेट को अब पोर कर देना है। 5 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। मार्केट से भी अच्छी चॉकलेट रेडी हो जाती है। आप डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, कोई भी कंपाउंड लाकर इस तरह से घर में बना सकते हैं ढेरों चॉकलेट्स। तो सभी में हमने सेट कर दिया है, टैप करके रख देंगे 5 मिनट के लिए फ्रिज में इसे। 5 मिनट फ्रिज होने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगी, आप इसे किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट्स रेडी हैं। आप इन्हें पैक भी कर सकते हैं इस तरह से पैकिंग रैप में, इस तरह से आप ये देखिए किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही इजीली तरीके से बनने वाली चॉकलेट्स। आप इन्हें घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई वैलेंटाइन डे स्पेशल बहुत ही टेस्टी केक रेसिपी, जिसे हम केवल 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 20 रुपये वाला कोई भी चॉकलेट। आप बिस्किट ले लें तो यहाँ पर मैंने ये दोनों बिस्कुट को अच्छी तरह से पीस लेना है। आप कोई भी अपने मनपसंद के चॉकलेट बिस्किट या फिर नॉर्मल बिस्किट भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, देखिए। अब एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमें इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। हल्का सा हमें इसमें मिल्क लेना है 1 कप के लगभग, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालते जाना है और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। ये सबसे ईजी केक है, झटपट से आप इसे बना सकते हैं। और यदि आप कलरफुल वाला बनाना चाहते हैं जैसे रेड वेलवेट टाइप से, तो आप इसी में रेड कलर ऐड कर सकते हैं, या फिर जो वाइट वाली बिस्किट आती है आप उससे बनाकर, मारी बिस्किट वगैरह से बनाकर आप रेड वाला भी बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मिल्क ऐड करते जाएं और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल लम्स भी बैटर बनाना है हमें। तो 1 कप से थोड़ा सा कम लगा है हमें, मतलब 3/4 कप लगभग दूध लग गया है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालें। तो बैटर एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का बनकर तैयार है। अब सिंपल सा हमें इसमें 1 टीस्पून के लगभग इनो सॉल्ट डाल देना है, मतलब कि वो जो एक पैकेट आता है उसका आधा पैकेट। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमको। हम यहाँ पर बिल्कुल जो कपकेक होते हैं वो बना रहे हैं। आप इसे किसी भी नॉर्मल केक टिन में डालकर भी बना सकते हैं। तो मैंने ये चाय वाले कप लिए हैं जो नॉर्मली हम पीते हैं, जिनमें चाय। हल्का सा हमने इसमें ऑयलिंग कर दी है। आप इस केक को कटोरी में या फिर जो भी मोल्ड आपके पास हो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें 1-1 चम्मच के लगभग डाल देंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पहले डाल दिया था तो ये ऊपर तक आ गए थे। तो आप 1 ही 1 चम्मच डालें क्योंकि ये ऊपर तक फ्लो हो जाता है फिर। तो है ना एकदम सिंपल और इजी बनने वाला केक। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और भी केक की रेसिपीज देखने के लिए चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी से हमने टैप कर लिया है। इतने बैटर में 4 कप बनकर तैयार हो गए हैं, देखिए। तो अब हम इन्हें बना रहे हैं माइक्रोवेव में। ये माइक्रोवेव में 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो 5 मिनट का टाइमर सेट करके हम इन्हें छोड़ देंगे माइक्रोवेव मोड में। यदि आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई को प्रीहीट करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक कर लें, ये बेक हो जाएंगे।
तो ये देखिए 5 मिनट में अच्छी तरह से ये बेक हो गए हैं। इन्हें बाहर निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लें। व्हिप क्रीम या फिर चॉकलेट सिरप से आप इसे गार्निश कर लें। तो मेरे पास व्हिपिंग क्रीम थी तो मैंने लगा ली है। इसके ऊपर आप चाहें तो स्प्रिंकलर, यहाँ पर मैंने हार्ट शेप के शुगर बॉल्स ले लिए हैं, शुगर स्प्रिंकलर जो भी आता है वो आप लगा लीजिए इसमें। डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर डेयरी मिल्क भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से बनने वाला हमारा बहुत ही टेस्टी चॉकलेट कपकेक, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट की रेसिपी, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें एक डबल बॉयलर का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर एक पानी गर्म कर लिया है हाफ ग्लास के लगभग। बर्तन इससे टच नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम एक बाउल रख लेंगे, बड़े साइज का रखें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। यहाँ पर मैंने व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है, ये बहुत ही इजीली बेकरी स्टोर में मिल जाती है। तो मैंने ये पूरा एक पैकेट लिया है, ये पूरा एक पैकेट 500 ग्राम है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है। इसे मेल्ट करने के लिए हमें और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे उसी में रखे रहने देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट का मोल्ड, आप कोई भी अपना मनपसंद चॉकलेट मोल्ड ले सकते हैं, ये भी आपको बेकरी स्टोर में मिल जाएगा। अब हमने इसमें कुछ डाल दिए हैं सिल्वर बॉल्स, कुछ हम इसमें हार्ट शेप की सिल्वर बॉल्स डाल देंगे। ये बहुत ही ईजिली आपको किसी भी बेकरी स्टोर में मिल जाएंगे जहाँ केक वगैरह मिलता है, और आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इस तरह से चॉकलेट्स आप बनाकर घर में रख सकते हैं, मार्केट से बहुत ही ईजिली आपको ये पड़ जाएंगे। अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी उसमें हम पोर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे टैप कर लेंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर भी स्प्रिंकलर कर सकते हैं। अपने मनपसंद कलर से भी आप इसे डेकोरेशन दे सकते हैं। अब इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए फ्रिज में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। बाहर रखने पे भी ये मेल्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चल जाएंगे। बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट। आप इसे स्टोर करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें और आप इसे महीनों तक एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।